दोनों आज के इस विदर्शन प्रोग्राम की ओर बढ़ा लिया। श्री ब्रजेश सिंह इसकी चैन को तोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा 124 बटालियन के, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जरूरतमंद लोगों के बीच पानी के वितरण, गलियों को सैनिटाइज करना, लॉकडाउन पूरी तरह से इफेक्टिव रहे इसके लिए जो जिला प्रशासन कार्रवाई है उसमें हम मदद करते हैं, साथ में रोड पे सब कुछ चेक करते हैं। इसके साथ में लॉकडाउन की वजह से जो लोगों को परेशानी हो रही है, कोई डेली वेज पे कमाने वाले हैं, उनको पैसा नहीं है, तो उनके लिए सरकार की तरफ से हमें जो डायरेक्शन दिए गए हैं तो उनको खाने का राशन, सब्जी वगैरह हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं जितना मैक्सिमम हो सकता है। अभी हमारे सीआरपीएफ की तरफ से करीब 1500 फैमिलीज को ये सामान उपलब्ध कराया गया है कई जगहों पर। इसमें हमारी 124 बटालियन ने बहुत अच्छा कार्य किया है और ये इनका 5वां-6वां प्रोग्राम है जिसमें इन्होंने करीब 1500 लोगों को बेनिफिट किया है। और इसके साथ साथ हम लोग कोरोना वायरस को से बचने के लिए मास्क है, सैनिटाइजर है और भी जो चीज़ें हैं वो हम लोग इनको दे रहे हैं, हैंड ग्लोव्स वगैरह, ताकि ये उसका इस्तेमाल करके उनसे बच सकें। और साथ साथ में इनको हम काउंसलिंग भी करते हैं कि आप जो है ऐसे ऐसे बचिए और ऐसे इस तरह स्टेप्स उठाइए। इसके साथ साथ हर जगह पर हम लोग अपने मेडिकल की फैसिलिटीज भी अवेलेबल रखते हैं ताकि अगर किसी को कोई ज़रूरत है दवाई ववाई की तो वो हम लोग उपलब्ध कराते हैं। ये इससे हमारी तरफ से जिसमें सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ राशन सामग्री और कुछ कोरोना से संबंधित जो हाइजीन सैनिटेशन सामान है जैसे हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर और फेस मास्क हैं, वो आप लोगों को मुहैया कराए गए हैं। आप सब जानते हैं कि ये पूरे विश्व में फैली हुई एक बीमारी है जिसकी अभी तक दवाई नहीं है, जिस पर बहुत कोशिश चल रही है। इसका एक ही रोकथाम का जो उपाय है वो है अपनी साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन और लॉकडाउन में जैसे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बताया गया है वो बहुत जरूरी है। जैसा डीआईजी साहब ने भी बताया, अभी तक त्रिपुरा राज्य कोरोना फ्री है, आपका ये एरिया ग्रीन जोन में है, लेकिन यही एक समय है जिसमें और ज्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अब इस समय हम एहतियात बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे तो आने वाले समय में इस बीमारी से बचा जाएगा। आज का ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया आप लोगों के लिए, ये एक कड़ी है जिसमें 124 बटालियन द्वारा अलग अलग कंपनी के लोकेशंस में ऐसे ही प्रोग्राम किए गए हैं जिसमें जो नीडी फैमिलीज हैं या जो परिवार ऐसे हैं जिनको लॉकडाउन के चलते मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है उन्हें ये सामान उपलब्ध कराया गया है, जिसमें चावल, दाल, नमक, मसाले, तेल इत्यादि, सोयाबीन, ये सब चीजें हैं। ना सिर्फ 124 बटालियन द्वारा बल्कि पूरे त्रिपुरा राज्य में सीआरपीएफ द्वारा अलग अलग जिलों में ये अभी तक प्रोग्राम किए गए हैं और अभी तक बहुत सी फैमिलीज को लाभान्वित किया गया है। आप सब अपने घर से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं डीआईजी सर का, सभी अधिकारीगण और खासतौर पर मीडिया के जो हमारे साथी हैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकाल के आज हमारे बीच यहाँ शामिल हुए। और ये उम्मीद करता हूँ कि जो सरकार द्वारा बार बार टीवी के माध्यम से, फोन के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बार बार ये चीजें बताई जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, ब्रेकिंग द चेन, साफ सफाई संबंधित, हम उसका पालन करेंगे और सही प्रकार से उनको अमल में लाएंगे और इस कोरोना की बीमारी को दूर भगाएंगे।